हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रेशर वेसल का ब्लैडर अगर डैमेज हो जाए तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, कैसे चेंज करना है, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पे LT 200 लिखा है, 200 लीटर का है और ये इक्वा सिस्टम कंपनी का है। इस पे सब कुछ दिया हुआ है। आइए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। इसका पहले हम गेटवाल क्लोज़ कर लेंगे। गेटवाल क्लोज़ करने के बाद इधर आपको पाइप में वाल यूनियन दिख रहा है, वाल के बगल में, ये यूनियन को ओपन कर लेना है आपको। अच्छे से गेट वाल क्लोज़ करना है, नहीं तो जो लाइन में प्रेशर होगा वो बाहर आने लगेगा और ज़्यादा स्पीड में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए गेट वाल को क्लोज़ करके यूनियन ओपन करना है। इसमें दो यूनियन लगा है, एल्बो के एक इधर लगा है, देखिए उधर टैंक के बीच में यूनियन लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। दोनों यूनियन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यूनियन ओपन करने के बाद आपको नीचे फाउंडेशन में बोल्ट लगा हुआ है, जो फाउंडेशन का बोल्ट है उसको भी हमको ओपन कर लेना है। देखिए, ये दूसरा वाला गेट वाल हम ओपन यूनियन सॉरी दूसरा वाला यूनियन हम ओपन कर रहे हैं, इसको भी आराम से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए नीचे, अभी इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए नीचे, इसके बाद पानी जब ड्रेन हो जाएगा, पानी पहले ड्रेन हो जाएगा क्योंकि ब्लैडर जब फट जाता है तो पानी टैंक में ज़्यादा हो जाएगा, वो दूसरा साइड में भी पानी चला जाएगा जिधर से देखिए एयर निकालते हैं, इधर भी हमको पानी मिलेगा जब ब्लैडर फट जाएगा तो इसके लिए उधर से पूरा पानी रिलीज कर लें जितना रिलीज होता है। अगर ब्लैडर फट रहेगा तो पूरा पानी नहीं इधर से निकलेगा, बाद में आपको टैंक में वो ब्लैडर निकाल के पानी निकालना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा फाउंडेशन में 4 बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट लगा हुआ है, तो इसको फाउंडेशन से हम नट बोल्ट को रिमूव कर लेंगे। किसी में फाउंडेशन में देखिए ये ऊपर लगा हुआ है फाउंडेशन बना के, नहीं तो कहीं सरफेस पे ही लगाया जाता है, तो जिसको जैसा फिक्स किया होता उसके हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम लोग खोल के फाउंडेशन का बोल्ट निकाल लिए हैं पाइप के साथ। अभी देखिए, ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा एल्बो के पास 90 का एल्बो जो लगा है उसके पास, उसको हम वो फ्लांज को हम खोलेंगे जिसमें 6 बोल्ट लगा हुआ है। 6 बोल्ट को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, ये निकल गया। अभी जो ब्लैडर फटने के बाद जो पानी अंदर चला गया था वो पानी भी निकल रहा है, लेकिन ऐसे भी पूरा पानी नहीं निकलेगा, लेकिन जितना निकलेगा हम निकाल लेंगे, क्योंकि ब्लैडर में पानी होने की वजह से ब्लैडर फटने की वजह से पानी प्रेशर वेसल के अंदर में ज़्यादा चला गया ब्लैडर से पार होकर दूसरा साइड में, इसके लिए जितना इधर से निकलेगा उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम धीरे धीरे, देखिए अभी वो हम उसको उठाएंगे तो अंदर से पानी आएगा, वो उस साइड में हमको पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस साइड में पानी चला गया है। इसके लिए जिधर से हम एयर फिल करते हैं उधर से प्रेस करेंगे तो उधर से वाटर आएगा, तो ऐसा सिचुएशन में आपका प्रेशर वेसल बराबर काम नहीं करेगा जैसा आपको काम करना चाहिए। तो हमारा भी सेम ऐसा ही इशू है, इसके लिए हम आपको इसको दिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, ऐसे नहीं निकल रहा है। अभी हम लोग टैंक को ऊपर उठा के फिर निकालेंगे। देखिए, टैंक को ऊपर उठा के निकाल, कितना कचरा आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है और देखिए पूरा कचरा है, उधर से लेके पूरा कचरा ही दिख रहा है। ऐसे इसको खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद देखिए, हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहा है। पीछे एक बोल्ट के थ्रू कसा होता है जिधर से एयर रिमूव करते हैं उधर, उसको भी हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद निकालेंगे। हम इसको बाहर ले चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे निकालना है, इधर स्पेस कम है, इसके लिए टैंक को हम बाहर करके दिखाएंगे। देखिए, बाहर लेके हम आ गए हैं, अभी इसको हम निकालेंगे। अभी आराम से निकल जाएगा, स्पेस भी हो गया है और वो हम लोग नट को भी खोल ओपन कर लिए हैं। देखिए, अभी इसको हम आराम से देखिए निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। ये हाथ के पास देखिए, हाथ या ग्लव्स के पास देखिए फटा हुआ है, यही ब्लैडर फटा हुआ है, इसके वजह से हमारा वाटर दूसरा साइड में चला जा रहा है। तो यही ऐसे ही दोस्तों आप इसको रिमूव कर सकते हैं। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमारा सामान पूरा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हम इसको लगा के फिक्स करके नहीं दिखा रहे हैं। हम दूसरा वीडियो में आपको
फिक्स करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको इसको फिक्स करना है और कैसे काम करना है। हम सामान को ऑर्डर किए हुए हैं, सामान आ जाएगा तो हम दूसरा वीडियो में आपको दोस्तों बताएंगे। देखिए ये LT200 का ही है, ऐसे आप दोस्तों काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए।